इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बाहर जहाँ पर वोटिंग चल रही है और वोटिंग निपट चुकी है। हमारे साथ हैं सोहेल इंदुसानी साहब, आइए बात करते हैं उनसे अपने बारे में और आज के इलेक्शन के बारे में। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जो इस्लामिक सेंटर के मतदाताओं ने, जो वोटरों ने जो प्यार दिया है, मोहब्बत दिए, दुआएँ दिए, वोट किए हैं, आज 11 अगस्त को वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। अभी 7 बजे 6 बजे तक का टाइम था, बरसात होने की वजह से उसका टाइम बढ़ गया था। मेरा बैलेट नंबर 6 था। लोगों ने अच्छी खासी मेहनत करी और दुआएं दी और वोट की, उनका बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब जीत हार जो थी वो किस्मत में, मतपेटी में बंद हो चुकी है। ये कल शाम तक नहीं तो परसों दिन तक रिजल्ट आ जाएंगे, तब तक आप इंतज़ार करिए। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे मेरे जो मेन खिलाफ प्रतिनिधि सलमान खुर्शीद साहब, मैं सोहेल हिंदुस्तानी, उनका नंबर था, मेरा नंबर 6 था, 5 नंबर उनका था, 4 और कैंडिडेट थे, एक डॉक्टर थे माजिद साहब, एक अबराब साहब रिटायर्ड IAS अधिकारी, एक अफजल अमानुल्ला साहब IAS रिटायर्ड, एक आसिफ हबीबी साहब बिजनेस में। एक टोटल इतने लोग थे, बड़े प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ा, किसी ने किसी को गाली नहीं दी, किसी ने किसी को धक्का मुक्की नहीं दी, किसी ने किसी का सर नहीं फोड़ा और बहुत बढ़िया से ये चुनाव हो गया। मैं फिर एक बार मतदाताओं का इनका शुक्रिया करता हूँ। मोहब्बत हो, चुनाव हो तो इंडिया इस्लामिक सेंटर जैसा, जो लोगों ने 2 महीने मेहनत करी, एक दूसरे की गिबत बुराई करी, बस इनसे यही गुजारिश करता हूँ, एक दूसरे की गिबत ना करें, अपने मुद्दे गिना के चुनाव लड़ें। मैंने भी कुछ मुद्दे रखे थे, अगर मैं जीता तो उनको लागू करूँगा, नहीं हो तो लागू कराने का इनसे प्रयास करूँगा। पहला मुद्दा, कम से कम इस्लामिक सेंटर की 20 शाखाएँ हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में हों, कर्मचारियों की कम से कम तनख्वाह डबल हो जिससे वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ, और सोलर सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, महिलाओं की जगह बैठने की, एक बढ़िया वेज रेस्टोरेंट, ये मोट और बच्चों के खेलने के लिए, स्पोर्ट्स गतिविधि के लिए और कुछ काम, ये मेरे मतलब मानना है। जब इस्लामिक सेंटर जुड़ेगा और समाज के लोगों को भी, अच्छी जाति समाज, इस्लामिक सेंटर में खाली मुस्लिम ही मेम्बर नहीं होते, इसमें नॉन मुस्लिम भी, हिंदू और जाति समाज का होता है। यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, ईद मिलन भी होता है, क्रिसमस भी मनाई जाती है, गुरु पर्व भी मनाया जाता है। इस तरह से प्यार मोहब्बत से बढ़ता रहे, कारवा चलता रहे, हमारा देश जैसे आगे बढ़ रहा है, ये सरकार जो काम कर रही है देश हित में, जनता हित में, राष्ट्र हित में, जैसे आपने देखा सड़कों का जाल हो गया, देश दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, जगह जगह टॉयलेट बाथरूम पड़े हैं, गरीबों के अकाउंट खुलाए जा रहे हैं, और तो और चंद्रयान मिशन पर हम पहुंच चुके हैं, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो ये जो मोदी, कोई भी कैंडिडेट जीते, जो भी चेयरमैन बने, ये लोगों पे जो गिबत करते हैं, सरकार की बकवास करते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए, और सरकार की जो अच्छी स्कीमें देश हित में और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के हित में, उसको आगे बढ़ाया जाए। CNRC की तरह अफवाह नहीं कि कौवा कान ले गया, जो वक्त भी ला रहा है।